दोस्तों एमएस धोनी के लिए इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी अब आईपीएल 2020 में खेलने की तैयारी में जुट गए हैं। वे करीब डेढ़ साल बाद एक बार फिर मैदान में उतरने जा रहे हैं। क्रिकेट फैंस को जितना इंतजार आईपीएल 13 के शुरू होने का है, उतना ही या कहें कि उससे भी ज्यादा अपने पसंदीदा खिलाड़ी एमएस धोनी को एक बार फिर खेलते हुए देखने का है। एमएस धोनी एक बार फिर अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। इस बार का आईपीएल यूएई में हो रहा है और पहला मैच 19 सितंबर को दो चैंपियन टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। एमएस धोनी हालांकि पिछले करीब डेढ़ साल से क्रिकेट से ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया से भी दूर हैं, लेकिन धोनी की पत्नी साक्षी धोनी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहीं। वे लगातार कुछ न कुछ अपडेट डालती रहती हैं, इससे लोगों को धोनी के बारे में पता चलता रहता है। अब साक्षी धोनी ने एक ऐसी फोटो शेयर की है जिससे लोग मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल धोनी की बेटी जीवा एक बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए है। जीवा बच्चे को गोद में लिए कैमरे की तरफ देख रही है। वही बच्चा काफी छोटा है, यानी न्यूली बॉर्न बेबी की तरह है। लेकिन जीवा ने जिस बच्चे को गोद में लिया हुआ है वह किसका है यह किसी को नहीं पता। ऐसे में साक्षी धोनी से लोग इस बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो साक्षी धोनी को बधाई तक देना शुरू कर दिया है। हालांकि फैंस के पूछने के बाद भी साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया है। इस बीच कुछ फैंस यह भी कह रहे हैं कि यह बच्चा हार्दिक पांड्या का है, लेकिन यह सब कायसबाजी है। लेकिन जब यह फोटो साक्षी धोनी ने इंस्टाग्राम पर डाला है, जब से यह खूब वायरल हो गया है। इस बच्चे के हार्दिक पांड्या के होने की बात इसलिए भी कही जा रही है कि धोनी और हार्दिक पांड्या एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। यहाँ तक कि पिछले महीने की 7 तारीख को जब धोनी का जन्मदिन था, तब हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या ने मुंबई से रांची जाकर धोनी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया था और खूब मस्ती भी की थी। लेकिन क्या धोनी मुंबई गए थे जो यह बच्चा जीवा की गोद में आया, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। वैसे दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें, और अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।